जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से एक बार फिर ते राम राम भाई। मैं तारा साथी मोहित पुनिया एक बार तारा फिर ते स्वागत करूँ हूँ। तारी बहुत घनी डिमांड हो रही थी भाई, महिला फीमेल सुपरवाइजर का जो HSSC का पेपर होगा उसके प्रश्न करवाए जाएँ, तो भाई उसके प्रश्न लेके आया हूँ आज की वीडियो का। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ 66 की, और इनकी जब PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक भी मिलेगा, फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, कड़ता है ले लियो मिल जाएगी भाई। पहला प्रश्न, क्या हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी आयु तक आंगनवाड़ी के पद पर बनी रहती है? तो भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो और कोई जो भी विभाग से ना, सारे विभाग का मैं जो भी आपकी मतलब जो उम्र होया कर वह 58 वर्ष हो रिटायरमेंट की, लेकिन आंगनवाड़ी का मैं 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सके है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई, जो घरेलू जो घर का मैं जो गामा का मैं जो हिंसा होया कर ठीक से ग्राम में जो लड़ाई हुआ है, तो महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम है और वो कब से लागू किया गया है, यह प्रश्न दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखने हैं भाई ठीक से। और भाई तम कमेंट करके बताइए वीडियो किसी लागी, मटेरियल किसा लागे और के मटेरियल चाहिए ठीक से, तारा खातर उपलब्ध कराया जाओगा। अगला प्रश्न क्या भाई, हरियाणा में पोषण पखवाड़ा कब से कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पोषण पखवाड़ा भाई 8 मार्च से 22 मार्च के बीच में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मनाया जाओ भाई ठीक है, पोषण पखवाड़ा 8 मार्च से 22 मार्च के बीच में। अगला प्रश्न क्या भाई, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू हुई? तो भाई ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई आप लोगों का, 28 अक्टूबर 2010 ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना 28 अक्टूबर 2010 ना शुरू हुई थी, और इस योजना से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेंगे, जो भी महिलाओं से संबंधित योजना है सारी की सारी सही इस वीडियो का मैं ठीक से। इस योजना का नु पूछ लें, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या भाई, 19 साल हो या फिर 19 साल तक जो सी बड़ी उम्र की जो भी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली जो सी महिलाएं हैं ठीक है, तो उनके पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत, भाई जो भी हैं 19 साल से बड़ी जो भी महिलाएं हैं गर्भवती या स्तनपान महिलाएं, तो उनकी जो पहले दो बच्चे होंगे ना उनके जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और शिशु की देखभाल करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करी जाओगी, यो प्रश्न भी पूछा जाओ भाई, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता, तो 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाओगी भाई। यह वीडियो भाई तारे साथियों के लिए भी शेयर कर दियो, ताकि सारे का दोहरा सहायता मिल पहुँच जाओ, सारे थी मिल जाओ। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक कौन है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाई जो श्रीमती रेनू फुलिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, श्रीमती रेनू फुलिया है ये हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक हैं भाई। अगला प्रश्न के बता रहा खतर, कन्या कोष योजना के अंतर्गत आयकर छूट किस आधार पर दी जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो कन्या कोष योजना है इसके तहत जो आयकर यानी कि जो इनकम टैक्स पर जो छूट मिला है वह कौन सा सेक्शन का तहत मिला है? तो 12A सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कौन सा अधिनियम है, कौन सा वो है नियम कानून है, तो सेक्शन 12A के तहत भाई कन्या कोष योजना के अंतर्गत आयकर से यानी इनकम टैक्स का छूट मिल जाए। अगला प्रश्न क्या भाई, किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष की लड़कियां आती हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाई 11 से 18 वर्ष की लड़कियां आती हैं किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत भाई। अगला प्रश्न क्या, महिलाओं के लिए प्रिय दर्शनी स्कीम कब शुरू की गई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, महिलाओं के लिए जो प्रिय दर्शनी स्कीम है वो आप लोगों की कब से शुरू की गई है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर 2007 के अंदर महिलाओं के लिए भाई प्रिय दर्शनी स्कीम शुरू करी गई है ठीक से। अगला प्रश्न के है भाई, हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का क्या नाम है? हरियाणा महिला विकास जो विभाग है इसके जो राज्य मंत्री है उसका क्या नाम है? तो भाई कमलेश ढांडा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कमलेश ढांडा जी हैं। अगला प्रश्न के है भाई, ये सारे याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये नुए को नहीं अद्दू फद्दू प्रश्न को है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई? तो चार ऑप्शन दिए गए भाई, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 5 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत क्या आएगा वो सब आप लोगों को इसके अंदर याद रखना है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो भाई चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा जो महिला समृद्धि योजना है वह कब शुरू की गई थी? तो भाई 27 दिसंबर 2020 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 27 दिसंबर 2020 को हरियाणा महिला समृद्धि योजना शुरू करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत के भाई जो अपना हरियाणा की जो भी महिलाएं हैं उनको अपने आप समृद्ध बनाना, मतलब वो अपने काम के अंदर खुद कुशल हों, अपना जो रोजगार है वो खुद स्टार्ट करें ठीक है। तो यह था हरियाणा महिला समृद्धि योजना, इसका अनु भी हो जाए भाई, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह उद्देश्य है इसका। अगला प्रश्न क्या, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में LIC में निवेश का भुगतान कब किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है इसके अंतर्गत जो LIC होती है यानी कि जो अभी आपकी हो लाइफ
इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है, तो भाई उसका उसके अंदर जो निवेश का भुगतान है वो कब किया जाता है, यह प्रश्न दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस डाल के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या, भारत में आंगनवाड़ी की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। भाई आंगनवाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो भाई 1975 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में आंगनवाड़ी की शुरुआत 1975 का था शुरू हुई थी। अगला प्रश्न क्या, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना कब शुरू की गई, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस योजना के बारे में बताता हूँ, तो भैया योजना पहला तो जान लो वही कब शुरू थी, 1 अप्रैल 2011 ना भैया योजना शुरू हुई थी, ठीक है। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाए किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है, तो चार ऑप्शन दिए मिलेंगे, तो उसके अंदर से कौन सी भाई, राजीव गांधी योजना है। इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया है भाई, किसकी देखरेख में चल रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख का मचाल है, ठीक है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या प्रोसीजर है, इस योजना के तहत भाई लड़कियां थी ना दो ग्रुप का हमें बैंड दिया, ठीक है। 11 था 18 साल की जो उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी दो ग्रुप का हमें बैंड दिया, एक तो 11 था 15 वर्ष और एक बैंड दिया 15 था 18 वर्ष, ठीक से। और जिसका मैं जो 11 था 15 वर्ष की जो सी लड़कियां हैं ना उनकी तो पकाया हुआ खाना देवे हैं और मतलब उनका पोषण के लिए, और जो सी 15 था 18 हैं उनको भाई आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाई मिले हैं, ठीक है। यो इस योजना के अंतर्गत है, राजीव गांधी योजना के अंतर्गत, तो ये प्रश्न पूछ ले तो नू है। अगला क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भाई 2004 का में शुरू की गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह योजना भाई कड़ा कड़ा शुरू करी जाओ, यह योजना उस जगह पर शुरू करी जाओ है जड़ा जो साक्षरता दर है ना महिलाएं की, वह जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है उससे कम है। यह योजना कड़ा कड़ा शुरू करी जाए जड़ा जो महिलाओं की साक्षरता दर है वह राष्ट्रीय साक्षरता दर तक कम है। अरे इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, प्रश्न नु दाग दिया जाओ भाई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई जो 75% अनुसूचित जाति जनजाति या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उनकी बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बच्चियों का दाखिला कराना है इस योजना के अंतर्गत। आ गया भाई इतना समझ में, ठीक है। तो भाई यो प्रश्न था, और इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः कौन सी बालिकाओं को शामिल किया गया है, जो विद्यालय से बाहर हैं और जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो भाई इसके अंदर 5,000 रुपये की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वह कब शुरू की गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तारा, 1 मई 2016, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। 1 मई 2016 ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत के है भाई, जो गरीब महिलाएं हैं ना उनकी मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिले हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला कई बार नू पूछ ले भाई इस योजना के अंतर्गत के है, या फिर नू प्रश्न नू दाग दे भाई मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन कौन सी योजना के अंतर्गत मिले हैं, तो भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सारे थे सिलेंडर मिले हैं ग्राम फ्री में, क्योंकि ये इस पर चूल्हा पर रोटी बनाया करती तो धुआं आया करता रिश्ता खाना, मतलब अंदर स्वास्थ्य खतर जो हानिकारक होया करता, ठीक से, जो ईंधन जो कर मतलब जो भी गोसे गासे बाड़ो तो भीतर धुमा जावे, ठीक है, तो सेद्या करता, तो उसका बचाव खतर भैया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चालू हुई थी। अगला प्रश्न क्या, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम 1986 से 1987 के बीच में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई, ठीक है, मातृ वंदना योजना लागू कब की गई है, वो तो था भाई उस योजना के अंतर्गत पैसे कितने दिए जावे हैं, तो 5,000 रुपये दिए जावे हैं। इवन पूछ लिया भाई लागू कब करी गई थी, तो 1 जनवरी 2017, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए मातृ वंदना योजना। अगला प्रश्न के, कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए कम से कम कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए महिलाओं की, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए, तो 50,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कम से कम 50,000 आय होनी चाहिए तब उनको सुरक्षित आवास प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में एसिड पीड़ित महिलाओं को कितने रुपए की सहायता दी जाती है, तो चार ऑप्शन दिए गए भाई एसिड पीड़ित महिलाओं को, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा तारा 1,00,000 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं एसिड पीड़ित महिलाओं को सहायता राशि। अगला प्रश्न क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी पोषण अभियान में कौन आता है, चार ऑप्शन दिए गए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो पोषण अभियान शुरू करा है इसके अंदर कौन आओ, तो भाई किशोरी और गर्भवती महिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी द्वारा कब शुरू किया गया, तो भाई इसका सारा ना बेरा होना चाहिए, यो प्रश्न आसान सा है, पहला भी तो हमने कई बार सुना होगा, 22 जनवरी
2015 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 22 जनवरी 2015 में भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। और एक प्रश्न भाई वो पूछा जा सके है, मैंने अपना अंदाजा मारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी भाई तिलपा ना लियो, तो 8 मार्च ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। प्रधान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाओ है आपका 8 मार्च ना मनाया जाओ है। एक योजना और रहेगी बता रही, एक योजना और रह रही है, मैं एक बार देखू हूँ मेरा याद आ जाऊँ, एक योजना और रह रही थी, एक भैया है योजना इसी तम लिख लो या मैं इसमें लिखना भूल गया, स्वाधार घर योजना, स्वाधार घर योजना, स्वाधार घर योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2001 से 2002 के बीच में शुरू हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2001 से 2002 के बीच में, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो मतलब ऐसी महिलाएं हैं जैसे कोई विधवा हो या फिर कोई कैदी है या फिर प्राकृतिक आपदाओं से या मानसिक रूप से विकलांग बेसहारा महिलाएं हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। स्वाधार घर योजना 2001-2002 में चली थी, तो यह मैं लिखनी भूल गया था, तो इसे ना नोट कर लियो भाई। वीडियो पसंद आओ तो भाई तम दोस्तों के लिए जरूर शेयर करियो तारे, धन्यवाद, राम राम। PDF सी है तो बता दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक से इंस्टाग्राम फेसबुक का PDF मिल जाएगी सारे थी, धन्यवाद।